आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। गैस आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि गैस आप अपनी हेलो यू की आईडी में पेटीएम से किस प्रकार से रिचार्ज कर सकते हैं। और गैस यदि आप अपने फ़ोन पे से रिचार्ज करना चाहते हैं अपने हेलो यू अकाउंट की आईडी में, तो गैस बहुत ही आसानी से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों के ये लिए दिखाऊंगा कि गाइस आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देखें, और गाइस जैसे जैसे हम करें आपको वैसे वैसे ही करना होगा। और गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने पेटीएम से रिचार्ज और फ़ोनपे की आईडी से रिचार्ज हेलो यू की आईडी में कर सकते हैं। तो गाइस मैं करूँगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि गाइस आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी के हुए मैं करता हूँ अपनी वीडियो को स्टार्ट। जैसे ही गाइस देख रहे होंगे मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और गाइस मेरे फ़ोन में भी हेलो यू है। तो गाइस मैं अपनी हेलो यू की आईडी ओपन करूँगा। गाइस जैसे कि मैं अपनी हेलो यू की आईडी ओपन कर रहा हूँ, तो गाइस इस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गाइस आप, तो गाइस इस प्रकार से मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। गाइस मैंने भी अपनी आईडी ओपन कर ली है। तो गाइस इस प्रकार से आप अपना अकाउंट ओपन करिएगा, और गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गाइस आप रिचार्ज कहाँ से करेंगे। तो गाइस आप अपने जो है रूम में एंट्री कर लीजिएगा। गाइस जैसे ही आप अपने रूम में एंट्री करेंगे तो गाइस मैं आप लोगों को अपने रूम में एंट्री करके दिखा देता हूँ। गाइस जैसे कि मैं अपने रूम में आ गया हूँ, तो गाइस मैं करूँगा इस पर, गाइस यहाँ पर दिख रहा होगा आपको निशान एक इमोजी का, तो गाइस मैं इस पर इमोजी पर क्लिक करूँगा। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर इमोजी पर क्लिक करूँगा तो गाइस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइस इसको आगे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। गाइस जैसे ही आप आगे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो गाइस थोड़ा सा आगे की ओर और स्क्रॉल कीजिएगा। तो गाइस थोड़ा सा आगे की ओर और स्क्रॉल कीजिएगा। तो गाइस जैसे कि आप इसको स्क्रॉल करते जाइएगा, और गाइस आपको ऐसा इंटरफेस जब आ जाएगा, इस यहाँ पर बाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो गाइस आप बाई पर क्लिक कर दीजिएगा। गाइस जैसे ही आप बाई पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो गाइस यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिएगा। गाइस जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। गाइस यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक कर दीजिएगा। गाइस जैसे ही आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो कुछ जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार का पेज ओपन हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर गूगल वॉलेट पर एक बार क्लिक करिएगा। गाइस जैसे ही आप गूगल वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो गाइस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस देख लीजिएगा, गाइस यहाँ पर 30 डायमंड हैं 66 रुपये में, और गाइस 66 डायमंड हैं 205 रुपये में। तो गाइस आप यहाँ से अगर रिचार्ज करना चाहते हैं अपने पेटीएम वॉलेट से, या गाइस आप अपने जो है फ़ोनपे से रिचार्ज करना चाहते हैं, तो गाइस मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। गाइस जैसे कि मैं जाऊँगा 66 वाले पर, गाइस मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया, और गाइस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस यहाँ पर मुझे क्लिक करने के बाद। तो गाइस यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे गाइस, जैसे कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो गाइस मैं इस पर आप लोगों को टच करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप किसी भी बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर टाइप कर दीजिएगा, और गाइस यहां पर देख लीजिएगा गाइस ऐड बैंक अकाउंट विथ भीम यूपीआई। तो गाइस आप जो है इसके माध्यम से भी रिचार्ज कर लेंगे, और गाइस यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो उससे भी रिचार्ज कर लेंगे। तो गाइस आज हम आप लोगों को ये बताएँगे कि आप अपने पेटीएम से और फ़ोनपे की आईडी से किस प्रकार से रिचार्ज करेंगे। तो गाइस यहाँ पर लिखा आ रहा है रिडीम कोड, तो गाइस यहाँ से आप रिडीम कोड बना लीजिएगा अपने पेटीएम से, और गाइस यहाँ पर रिडीम कोड टाइप कर दीजिएगा। गाइस आप जैसे ही रिडीम कोड पर टाइप करेंगे तो गाइस यहाँ से रिडीम पर क्लिक कर दीजिएगा, तो गाइस आपकी आईडी में जो है रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पर इसको बैक करिएगा, गाइस हमारा 205 रुपये का था, तो गाइस 205 रुपये का रिडीम कोड कैसे तैयार करेंगे, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताऊँगा, गाइस अगर गाइस आप जो है हमारे रिडीम कोड बनाने की वीडियो पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, गाइस आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर आप जो है रिडीम कोड बनाने की प्रोसेस आप देख सकते हैं। गाइस वहां से आप रिडीम कोड बना लीजिएगा, जैसे कि गाइस यहां पर 205 का रिडीम कोड चाहिए, तो गाइस उतने रुपए का आप रिडीम कोड बना लीजिएगा, और गाइस बहुत ही आसानी से यहां पर रिडीम कोड टाइप कर दीजिएगा और आप रिचार्ज कर सकते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को फ़ोनपे से दिखा देता हूँ। गाइस जैसे कि आप अपने फ़ोनपे वॉलेट में जाएंगे, गाइस जैसे कि मेरा फ़ोनपे वॉलेट ये है, और गाइस आप अपना रिडीम कोड बनाना चाहते हैं, तो गाइस मैं फ़ोनपे से आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइस आप जो है अपना रिचार्ज कहाँ से बनाएंगे फ़ोनपे की आईडी में। तो गाइस यहाँ पर आल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही गाइस आप आल पर क्लिक करोगे तो कुछ गाइस यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। गूगल पे, गाइस यहाँ पर गूगल पे पर एक बार क्लिक कीजिएगा। गाइस यहाँ पर 205 रुपये टाइप कीजिएगा, और गाइस यहाँ से जो अपनी
यूपीआई आईडी टाइप कीजिएगा और गाइस बहुत ही आसानी से आप अपना कोड वहां पर टाइप कर दीजिएगा। यहां से जो गूगल पे से जो रिडीम कोड का कोड मिलेगा गाइस वो कोड वहां पर टाइप कर दीजिएगा और गाइस बहुत ही आसानी से आप अपना जो है रिचार्ज कर सकते हैं गाइस, डायमंड का रिचार्ज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हेलो यूपीआई आईडी में। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? गाइस हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।